हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। तो आज मैं आपके लिए हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज लेके आया हूँ और उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। जो आज की जानकारी है वो है PGIMER रिक्रूटमेंट 2020 के लिए। यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं और मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लगे, और तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने और फ्रेंड्स को भी बताएं जो कि जॉब की सर्च में हैं। आज का जो वीडियो है PGIMER रिक्रूटमेंट 2020 से रिलेटेड है, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन विद जॉब्स। सबसे पहले जो जॉब निकली है वो है फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है PGIMER में, और इसमें जो फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है एम फार्मा। एम फार्मा कैंडिडेट होना चाहिए और जॉब लोकेशन रहेगी चंडीगढ़। एक ही वैकेंसी है और ये डेट जो ऐड की गई है 21 को की गई है और 23 तारीख इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो अभी भी आपके पास टाइम है अप्लाई करने के लिए। बाकी इसकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कहाँ आपने अप्लाई करना है, क्या इसकी कंप्लीट डिटेल है। तो ये PGIMER रिक्रूटमेंट 2020। तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, फार्मासिस्ट होनी चाहिए, एक ही वैकेंसी है, और आपकी जो सैलरी है वो रहेगी 20,000 पर मंथ यहाँ पे। तो अच्छी सैलरी है आज के समय के हिसाब से, कोरोना के हिसाब से। अगर आपको जॉब जल्दी मिल जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एड्रेस है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? द इंटरव्यू ऑफ शॉर्ट लिस्टेड टॉप 5 कैंडिडेट्स विल बी डन ऑनलाइन ऑन 25/11/2020 एट 3 PM। तो 25 नवंबर को शाम को 3 बजे आपका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन। सिर्फ वो लोग जो टॉप 5 के कैंडिडेट्स होंगे। तो कैंडिडेट्स जल्दी अप्लाई करें इस जॉब के लिए, बहुत अच्छी जॉब है। द कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट ऑन ईमेल। ये आपके पास ईमेल एड्रेस है जहां पे आपने अप्लाई करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या हमें हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाकर के अप्लाई करना है? तो नहीं, आपको इस ईमेल पे एड्रेस अप्लाई करना है फ्रेंड जाकर के। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट की। ये तो थी फार्मासिस्ट के लिए। अब दूसरी पोस्ट जो है वो है रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट। MSc MPhil होने चाहिए या PhD MPH होने चाहिए। जॉब लोकेशन चंडीगढ़ ही है, वैकेंसी एक ही है। इनके लिए जो लास्ट डेट है वो 24 तारीख है, 24 नवंबर 2020 अप्लाई करने की है। तो जॉब डिटेल मैं आपको सारी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या रहेगा। सबसे पहले जो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पीजीआई में ये रिक्रूटमेंट होनी है और रिसर्च एसोसिएट की ये पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, लेकिन सैलरी बहुत शानदार है फ्रेंड्स। इसमें 54,520 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 24 नवंबर है। क्वालिफिकेशन की डिटेल की बात करें तो सबसे पहले इट इज प्रपोज टू फिल अप फॉलोइंग पोस्ट अंडर रिसर्च प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड डेवलपिंग वैलिडेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई काउंसलिंग बेस्ड मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड लाइफस्टाइल इन्वेंशन प्रोग्राम ऑन PCOS रिलेटेड साइंस सिम्टम्स इन एडोलसेंट गर्ल ऑफ चंडीगढ़ फंडेड बाई ICMER। तो इसमें क्वालिफिकेशन इसेंशियल है MSc न्यूट्रिशन होनी चाहिए आपकी, या फिर MPH PhD न्यूट्रिशन होनी चाहिए, कम्युनिटी मेडिसिन या फिर पब्लिक हेल्थ में डिजायरेबल रहेगी। रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट 1 साल का, अगर नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हैंडलिंग RCTs, हैंडलिंग लैब रिलेटेड वर्क, तो ये इसके बारे में रिक्वायरमेंट थी। एड्रेस रहेगा अमरजीत सिंह जी हैं, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGI चंडीगढ़।
यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अमरजीत सिंह जी हैं, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, तो वहाँ पे आप जाके मिल सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन फिल अप अपीयर फॉर द इंटरव्यू फिजिकली। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इंटरव्यू जो है वो डायरेक्ट होगा 26 नवंबर 2020 को 11 बजे सुबह के। तो और द डिपार्टमेंट और मे ऑप्ट फॉर एन इंटरव्यू बाय स्काइप और जूम। जूम के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड ईमेल देयर करिकुलम विटे विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और आपने ईमेल कहाँ करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे करना है। 24 नवंबर तक आपको ये अप्लाई करना है, शाम के 5 बजे तक पीडीएफ फॉर्मेट में। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। कई बार हमें लगता है कि जॉब नहीं लगी, जॉब लग सकती है, लेकिन कई बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है इन कारणों से, जैसे कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपने भेजना है। और ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो आपको कोई कॉल नहीं करेगा। सो नो एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टरवर्ड बाई एनी मीन्स विल बी एंटरटेन। इसके बाद कोई एप्लीकेशन आपकी एंटरटेन इस केस में नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने इंटरव्यू के लिए 26 तारीख को फिजिकली 11 बजे वहाँ पे ऑफिस में पहुँच जाना है, या जूम या स्काइप के थ्रू भी आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अगली पोस्ट पे चलते हैं। अगली पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलो की। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है एमएससी चंडीगढ़ में है, एक ही पोस्ट है, लास्ट डेट 21 है, ये निकल चुकी है। तो अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, डिप्लोमा या 12th होना चाहिए साथ में। चंडीगढ़ में पोस्ट है, लास्ट डेट है 26 नवंबर। इसकी पूरी डिटेल आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बारे में ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। देखो फ्रेंड्स, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक ही पोस्ट है लेकिन सैलरी रहेगी इनकी 12,000 रुपये। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, 26 लास्ट डेट है। अब क्वालिफिकेशन एंड डिटेल्स। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर दी वन पोस्ट ऑफ डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर सेंक्शन अंडर डीएसटी प्रोजेक्ट बायो मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक ही पोस्ट है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस +2 होनी चाहिए आपकी फर्स्ट डिवीजन के साथ। दूसरा, डिप्लोमा होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 1 साल का आपका कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा एंट्री में। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कलेक्टिंग एंड एंटरिंग डाटा इन दी डाटाबेस, डाटा जैसे आप डाटाबेस में मेंटेन करते हैं, ये मेन ड्यूटीज होंगी। अदर रिक्वायरमेंट्स फुली फ्लेक्सिबल होने चाहिए काम में, और 12,000 आपकी सैलरी रहेगी। तो आप ये आई थिंक ये आपके लिए बहुत फायदे की बात है जो +2 हैं उनके लिए। और आपकी जो एज है, एज की बात करें तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने हब एडमिनिस्ट्रेटर इस एड्रेस पर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस हब, ए सेंटर फॉर इनोवेशन डिजाइन एंड क्लिनिकल वैलिडेशन, रिसर्च ब्लॉक बी, 6th फ्लोर, रूम नंबर 6015, PGI MER चंडीगढ़। यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अब जो आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन विल बी बेस्ड इधर रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो इस दौरान आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 नवंबर 2020, हब एडमिनिस्ट्रेटर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो मैं आपके सामने एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी डाटा एंट्री के लिए आपकी जॉब। अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर रिसर्च फेलो की। उसके लिए बीटेक, BE, ME या एमटेक होना चाहिए। लास्ट डेट है 25 तारीख, 25 नवंबर तक आपने अप्लाई करना है। एक ही पोस्ट है इसकी, और इसकी भी आपसे मैं आपके साथ में जॉब डिटेल डिस्कस कर लेता हूँ। खासकर होता है कि ईमेल क्या होगा और सैलरी क्या रहेगी, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी इस पोस्ट के लिए, सीनियर सर्च फेलो के लिए, वो रहेगी 28,000 पर मंथ। 28,000 एक महीने की सैलरी आपको मिलेगी। और एक पोस्ट है सिलेक्शन का प्रोसीजर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो डिजायरेबल है, जैसे मैंने आपको क्वालिफिकेशन तो बता दी, BE, BTech विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस,
ऑन मेडिकल डिवाइसेस और रिलेटेड फील्ड, और एमई एमटेक विद एनी एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी हेल्थ केयर में। तो बाकी जो आपकी एज है वो है 35 तक आपकी एज होनी चाहिए। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू नो बेटर। और यहाँ पे आपका जो आपने जो जिस एड्रेस पे अप्लाई करना है वो ये आपके पास एड्रेस है, डिज़ाइन एंड क्लिनिकल वैलिडेशन रिसर्च ब्लॉक B6 फ्लोर, रूम नंबर 6015, PGIMER चंडीगढ़। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट इंटरव्यू और रिटर्न एग्जामिनेशन। अप्लाई कैसे करना है तो ये आपके सामने एड्रेस है, 25 तारीख तक आप लोगों ने अपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ईमेल एड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप ईमेल भी कर सकते हैं इनको अप्लाई करने के लिए, HRBIOMEDHUB@gmail.com। इस ईमेल पे आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट, एक ही पोस्ट है और लास्ट डेट है 25 तारीख। तो अगली पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, एमफिल पीएचडी। जॉब लोकेशन रहेगी चंडीगढ़, एक ही पोस्ट है इसके लिए भी। और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर 2020। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर रिसर्च फेलो की है, एक ही पोस्ट है, उसकी भी 4 दिसंबर 2020 है लास्ट डेट। फिर उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट की, उसकी भी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2020 है। तो फ्रेंड्स ये आज की पोस्टें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आई होप ये आपको काफ़ी फायदा देगी। तो अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।